तो भैया ऐसा है कि रात के बज चुके हैं 11:51 और रवि भैया जो हमारे वो वीडियो कॉल करने के लिए कह रहे हैं, तो आइए उनको हाउ आर यू सर? जय श्री राम। देख जय श्री राम। कैसे हैं आप? सर, हम बहुत बढ़िया हैं। तो एक बार फॉर्मली आपको और सिर्फ आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। हाँ, कह दे आप और आपके पूरे परिवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गौरव 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 कित गई यार वो वीडियो। कौन सी है? चलो दे 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 यार। चलो तो ये मिस्टर गौरव देशवाल नींबू का चैलेंज लेते हुए नींबू दिखा रहे नींबू। अच्छा, नींबू चाहिए। सिर्फ आंखों में से पांच आंसू आ रहे थे। आंखों आंखों में से आंसू आ रहे थे। बिल्कुल, वो तो है किसे का आया भाई पहला? मेरा आया है सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ भाई रे यार, आके जल्दी बैठ जा। हैप्पी बर्थडे टू यू, गौरव पाद हैप्पी मारे फूफू। ना ना ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गौरव ने पाद मारे फूफू, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद सर। वीडियो बनाया जा ली। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। ओह थैंक यू सो मच। मेरी बैग में आता है मेरा बर्थडे। तो भैया अभी बज चुके हैं सुबह के 10 और रात को आपने देखा वीडियो कॉल किया हमें रवि ने और हमारी बहन ने, और काफ़ी देर हमने उनसे बातचीत की। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपन नहाए धोए, मस्त फर्स्ट क्लास तैयार हुए। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग गए शिव जी के मंदिर में। तुम्हारा बर्थडे है तो यार भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ ज़रूर होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो यार, अब ना इतना कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ रोज़ जैसा दिन है, कोई वैसे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सच बताऊँ तो अभी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस डाली है उसके कमेंट सेक्शन में हर जगह बर्थडे विशेज आ रही हैं। तो सभी को अभी मैं आराम से बैठ के सभी को रिप्लाई करने वाला हूँ, चेक कितना ही टाइम लगे। ठीक है, तो यही है अभी तो, यही प्लान अभी तक तो। बाकी देखते हैं शाम को क्या कुछ है, जो भी होगा आपको बता देंगे। बाकी बहुत छोटा ब्लॉग रहने वाला है, इसमें कुछ इतना खास होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी यूट्यूब पर कमेंट्स हैं हैप्पी बर्थडे के, उन सबका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम पर और लास्ट में व्हाट्सएप, हमारे सभी मित्रों को कार्रवाई शुरू करते हैं। तब तक के लिए बैठे आराम से, और तो क्या ही करें, कि नहीं? आज समझ भी नहीं आ रहा क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है करने को, लॉकडाउन में। ठीक है भाई, आराम से बैठे हुए अपने घर में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे अपना और टॉफ़ी खा लेंगे, यही हमारा बर्थडे है। और हाँ, तुम्हारा भाई आज 21 साल का हो चुका है। ठीक है, कई लोग ये पूछते रहते हैं भाई तुम्हारी एज क्या है, एज क्या है, तो आज के दिन हम 21 साल के हो चुके हैं, आपको यही बताना था। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके आज मैं बचपन की एक बात बताता हूँ। हाँ। जो कि हम पठानकोट में थे, हमारा पड़ोसी था, हमारा मकान था ऊपर, उसका मकान था नीचे, ठीक है ना। उसका नाम था मोहन, वो इसके मजे लिया करता। ये छोटा था, रोता नहीं था कभी भी। वो जब भी मतलब ऑफिस से आता तभी मेरे को आवाज मारता, देशवाल अपने लड़के को नीचे लेकर के आ जा। हाँ ठीक है, मैं लड़की को नीचे लेकर के आता, ये वो इसके मजे लिया करता पूरे। जब कितने साल का था बाबा जी? जब 1.5 साल का था ये। हाँ, पैदल चलता था लेकिन बोलता नहीं था। ठीक है, वो गेंद ले रखी थी उसने, वो गेंद को ऐसे लुटगाता करीब 20-30 मीटर है, वो 20-30 मीटर ये पैदल जाता, उस बॉल को लेकर के वापस आ जाता। ठीक है, इसकी चाल को देखता था वो। हाँ, वो चाल का इतना मजा लेता था जिसकी कोई हद नहीं। और बच्चों ने मोटा भी तो बहुत था ना। हाँ, बचपन में मोटा बहुत था, इसकी कोई भी नस नहीं दिखाई दिया करती। ठीक है, हाँ वो चाल इतनी मस्त थी इसकी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, एक पुलिया थी, एक मतलब पासा इधर था, एक पासा इधर था।
हैं, वो पुलिया पे हम दोनों बैठ जाते थे, वो बॉल फेंकता था। अभी मैं चाल चल के दिखाऊं आपको। उसका मजा लेने का तरीका ये था, ये कभी भी मतलब रोता नहीं था कभी भी, चाहे इसको कितना भी दुखी कर लो, ठीक है ना। हाँ, वो मेरे को नीचे बुलाता, ठीक है ना, गौरव को मैं लेकर के आता, ठीक है तेरे लड़के को वहाँ खड़ा कर दो, वो बॉल ऐसे फेंकता, गौरव उसको उठा करके लेकर के आ, गौरव उसकी तरफ देखता है ऐसे टेढ़ी नजर से, ऐसे जाता, फिर गौरव बॉल को उठाता, फिर गौरव वापस आ जाता है, फिर मोहन को दे देता बॉल को, फिर मोहन बॉल को ऐसे फेंक देता भाई है, फिर जाता ऐसे चलता था ये। हाँ, फिर लेकर के आता बॉल को, मोहन कम से कम एक दिन में इससे 20 या 30 बार ये बॉल को उठवाता था, उसको देखता था, हंसता रहता था। ये ऐसा था भाई, कभी रोया ये बचपन में कभी भी नहीं, जिंदगी में रोया। अब छोटी सी ये बात थी मेरी तरफ से, गौरव देशवाल को हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। अभी मेरा अपन आपको एक बात बताई मेरी मस्ती, अभी मेरी मम्मी आपको और 3-4 बातें बताएंगी मेरी, बताओ मेरी। 3-4 नहीं भाई, एक ही बताऊंगी। पहले तो गौरव के YouTube परिवार को हाथ जोड़कर नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। ये किसकी 2 साल की बात आपको बताना चाहती हूँ मैं। जब ये 2 साल का था, ये बोलता था, बोलना शुरू नहीं किया था इसने, लेट बोला था ये। तो क्या हुआ, हम मामा जी के घर गए हुए थे, मतलब मेरे मायके, और भैया गए थे तालाब में भैंस पानी पिलाने के लिए। जैसे हरियाणा वालों को तो पता ही है कि तालाब में भैंस पिलाते हैं बाहर जाके जोड़ में, और वहीं नहला धुला खिलाते हैं। अच्छा, फिर भाई वो क्या हुआ, भैंस भाग गई उस दिन, और वो हो गया परेशान, मतलब गौरव के मामा जी। अच्छा, घर आए, भैंस बांधी, और हरियाणा वालों का यही एटीट्यूड होता है, वो क्या करते हैं, दे लठम लट्ठा, उनको क्या किया, भैंसों की पिटाई शुरू कर दी। और गौरव बोलता नहीं था बिल्कुल भी, चुप रहता था, कुछ नहीं, मामा पापा ऐसे ऐसे शब्द बोलता था ये। उसने जैसे ही पिटाई शुरू की, वहाँ से मेरी दादी जी लगी चिल्लाने, मत मार मत मार। और तो इसने क्या किया, पास जाके खड़ा होके बोला बिल्कुल गुस्सा होके, पापी, ऐसे बोलते ही उसने उसको डंडे को एक तरफ फेंक दिया भैया ने, और इसको उठा लिया। बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरा भांजा बोल पड़ा आज। ये थी इसकी बोलने की स्टोरी, ठीक है। हाँ, पहली बार शब्द बोला पापी। हाँ, सीधा। हाँ, सीधा पहले पापी बोला इसने। एक और बताती हूँ जी, ये क्या करता था, इसको ये नहीं पता था कि मतलब बिंदी कहाँ लगाते, इसको ये पता था बिंदी लगाते देखता था ना, तो इसको भी कुरकुरी होती थी कि मैं भी लगाऊं। होगा मतलब 2-2.5 साल का। अच्छा, हम मामा जी के घर ही गए थे, वही करता था ये, जो भी पद्धर करता था। तो इसने देखा मामी जी को बिंदी लगाते हुए, इसको क्या सूझी पता नहीं, इसने निकाली उसकी ड्रॉर में से बिंदी, और पूरी एड़ियों पर चिपटा ली, चिपका के और लगा एड़ी उठा के चलने। जो भी देख रहा उसको हंस रहा, जो भी देख रहा उसको हंस रहा, पता नहीं कितनी बिंदी, जितनी भी इसको फंसी बिंदी आई हाथ में। हाँ, मतलब बहुत सारी बिंदी थी। पूरी एड़ी में लगा ली और फिर एड़ी उठा के चलने लगा। वो सीन आज भी याद आता है ना, तो बहुत हंसी आती है। ऐसे ऐसी पागलपंती करता था गौरव। तो आज मम्मी जी 21 साल का हो गया, आपकी निकम्मी औलाद क्या कहना चाहेंगे? मेरी निकम्मी औलाद नहीं, मेरी औलाद बहुत अच्छी है। गौरव जिंदगी में एक बार गलती कर देता, दूसरी बार उसको दोहराता नहीं है, बहुत अच्छा बेटा है। मतलब गलती करते हुए दोहराते नहीं। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ मेरा बेटा जिंदगी के में शतक मारे और खुश रहे, अच्छा आदमी बन के रहे, बस इंसान अच्छा हो, ठीक है, पैसा हो चाहे मत हो, लेकिन इंसान मेरा बेटा अच्छा बने। धन्यवाद। चलो भाई, ठीक है, आपको बता दिया। ओके मम्मी, तो भाई ये थे मेरे बचपन के कुछ छोटे मोटे किस्से, 2 तो आपको मम्मी ने बता दिया और एक आपको पापा ने बता दिया। तो मतलब मेरा कोई ऐसा था नहीं कि यार आपसे कुछ ऐसे मैं शेयर करूं, लेकिन फिर मैं सोचा यार लॉकडाउन का बर्थडे कुछ इतना स्पेशल आज मैंने कुछ घर में किया नहीं, तो चलो एक छोटी मोटी बातें कुछ बता देते हैं आपको, मम्मी पापा के थ्रू ही बता देते हैं। तो मम्मी पापा दोनों ब्लॉग में आ गया आज, तो बड़ा अच्छा लगा भाई मुझे भी। और भाई जो हमारे रोड से रवि भैया, उन्होंने जो हमको सरप्राइज दिया है, अल्टीमेट दिया भाई, मैं यहाँ पे आपको चला के नहीं दिखाऊंगा बिल्कुल भी। मैंने भले ही वीडियो का टाइटल डाला हो कि भाई रवि ने मुझको एक्सपोज कर दिया जो भी है, तो भाई मतलब आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी जाना या फिर आई बटन में आप देख लेना, ठीक है। आई बटन में आपको एक वीडियो की लिंक मिलेगी जो कि रोडस्टर रवि ने स्पेशल मेरे लिए बनाई है, तो वो वीडियो देख के भाई जो मैं हंसा हूँ ना खतरनाक। मतलब क्या होता है कि कई बार ना जब हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं तो उसमें कुछ वीडियोस होती हैं जो भाई मतलब नहीं होते यार शेयर करने लायक ना, मैं ऐसे उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं,
तो वो जो वीडियो थी ना मतलब YouTube वीडियो में डालते नहीं, उसको अपलोड नहीं करते, लेकिन हाँ अपने पास रखते हैं। तो रवि ने क्या किया, वो छोटे छोटे जो ब्लूपर्स होते हैं ना उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर देखना, आई बटन में आ जाएगी ऊपर, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा भाई। वो उसने ना मेरे को ये कहा, गौरव देख शाम के 5 बजे ना तेरे बर्थडे वाले दिन एक बढ़िया सी वीडियो आएगी। तो मैं तैयार था, मेरे को पता था भाई ये रवि बहुत ही हरामी बंदा है और ये कुछ ना कुछ वीडियो में ज़रूर डालेगा। और भाई वो वीडियो देख के जो मेरी हंसी आई ना बहुत खतरनाक, मैं सोच रहा था अपनी रिएक्शन रिकॉर्ड करता, फिर पता नहीं मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे ना भाई आपको कहोगे भाई ये गौरव है वो भाई खतरनाक। और ये थी एक बहुत छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो इससे पीछे वाला व्लॉग था उसमें बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे मतलब मुझे विश किया है, तो यार आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू दिल से सभी का। तो देखो मैंने मतलब जितना ओपन है मैंने उतने रिप्लाई करे आज बैठ के, मतलब ये लगा लो मेरा पूरा सारा दिन आज रिप्लाई में गया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम कहीं पे भी हो, मैंने आज कोशिश करी कि मैं सभी को रिप्लाई दूं, ताकि यार किसको ये लगे यार मैंने इसको बर्थडे विश किया इसने बिल्कुल रिप्लाई नहीं दिया। तो कई हमारे भाई अभी भी रह गए होंगे यार, तो उस चीज़ के लिए यार मैं सॉरी कहना चाहूँगा। तो दिल से देखो यार मैं आपको थैंक यू कहूँगा, आपने मेरे को कह दिया तो आप ये लगा लीजिए हाँ भाई मेरे तक पहुँच चुका है वो। और इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मेरे को स्टोरी में मेंशन किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत सारे अपने जिगरी यारों ने फ़ोन किया, किसी ने वीडियो कॉल की। तो आज का जो मतलब ओवरऑल जो मेरा बर्थडे एक्सपीरियंस था ना, वो चाहे भले ही लॉकडाउन में हुआ हो बहुत मस्त रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। लोगों से जो मेरे पुराने दोस्त ना उनसे भी मैंने एक एक घंटे दो दो घंटे बात करी है, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं इसे कहूँगा भैया क्वारंटाइन का बेस्ट बर्थडे था मेरा आज का, बहुत मज़ा आया। आप लोग अपना ऐसे प्यार बनाए रखना, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, ठीक है, बाय। जी भैया बोलिए, पैसा लाया बहुत बढ़िया, बहुत ए भाई 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 मेरे को भी डबल मिलेगा ना भाई, भाई मेरे को डबल मिलेगा ना भाई, अच्छे से बात करना। 21 दिन में तो उनको मिलता है भाई। हाँ अच्छा अच्छा, बर्थडे टू यू, और तेरे बर्थडे के नाम का केक तैयार है। ओ भाई मेरे बर्थडे के नाम केक बना दिया तूने। हाँ वाह भाई छोरे स्वाद आ गया, कौन सा आयो चॉकलेट केक? हाँ चॉकलेट केक ठीक है, पर मैं ना खाऊंगा क्यों कर भाई, फ्रिज में धर दिए, कभी और खा लूंगा, ठीक है ना, मैं खा लूंगा। चल हाँ तू मेरा नाम खा ले, तन ना खा लिया, मना खा लिया, बात एक होगी, ठीक है भाई, रख रहा भाई ने एफर्ट करे यार, केक में स्वाद आ गया। रवि केक की फोटो खींच के भेजे, मैं थंबनेल में लाऊंगा।